this, huh? Just no, I won't. You will have to answer me. मुझे पता था, मुझे पता था कि मोनिका के साथ थे। तुमने मुझे धोखा दिया, हाँ? हाँ दिया, दूंगा, क्योंकि मैं तुमसे नहीं, मोनिका से प्यार करता हूँ। ये लो, अपनी मंगनी की अंगूठी। We are finished. तुम सगाई तोड़ रहे हो? 10 साल से था हमारा रिश्ता। तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैं तुमसे कितना प्यार करती थी। चुप। उस औरत के लिए तुम हमारा 10 साल का रिश्ता तोड़ना चाहते हो? क्या व्हाट्स द मैटर? किसने जैन पे गोली चला दी? मेरा उसके साथ झगड़ा हुआ था लेकिन मैंने उसका खून नहीं किया। प्लीज मुझे बचा लो केडी। काम डाउन, कहाँ है जैन? अपने फ्लैट में। केडी क्या है? इंस्पेक्टर साहब, यही है, गिरफ्तार कर लीजिए इसको। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। मैं जानता हूँ इसे, मेरी दोस्त है। केडी, तुम्हारी इसी दोस्त ने इस आदमी का खून किया है। नो। डायरेक्ट सीने में गोली लगी है। बड़ा वेपन? ये रहा। और ये बैग आप ही का ना सारिका जी? हाँ लेकिन केडी, ये गन भी इसी बैग से बरामद हुई। ये खून मैंने नहीं किया है, मैं सच कह रहा हूँ, ये खून मैंने नहीं किया। फिर किसने किया? इंस्पेक्टर साहब, इस रूम में सिर्फ यही दोनों थे और तीसरा कोई भी नहीं था। शायद था। या फिर अभी भी है। ये फुटप्रिंट देख रहे हो तबे? मुझे मत मारो साहब, मुझे मत मारो। बन
कौन है तुम? लेकिन खून मैंने नहीं किया साहब, खुदा कसम मैंने नहीं किया। खून किसने किया ये तो अब अदालत में ही पता चलेगा। फिर मैंने अपने फ्लैट से दोनों के बीच हाथापाई होते हुए देखा, फिर सारिका जी मेरी नजरों से हट गई और फिर एक हल्की सी आवाज, यानी कि आपने सारिका को अपने मंगेतर डॉक्टर जयंत पर गोली चलाते देखा? जी नहीं, तब तक वो मेरी नजरों से बाहर चली गई थी। उनके पास गन थी या नहीं ये मैं नहीं देख सका। और आपने गोली चलने की आवाज भी नहीं सुनी? जी। मिस्टर वेंकट, आप डॉक्टर तोलानी के सामने वाले फ्लैट में उनकी मंगेतर यानी कि मिस सारिका जायसवाल को अक्सर आते देखते थे, इज दैट राइट? जी, और दोनों हमेशा झगड़ते रहते थे, दो दो बजे रात तक, और कभी कभी तो डॉक्टर जैन सारिका के ऊपर हाथ भी उठा दिया करते थे। कमाल है मिस सारिका जायसवाल, आप डॉक्टर जैन तोलानी को इतने सालों से जानती थी, 10 सालों से जानती थी, और 4 साल पहले तो आप दोनों की मंगनी भी हुई थी। 4 years is a very long time, मिस सारिका जायसवाल। शादी में डिले क्यों? जी, मैं तो हमेशा जैन पर शादी का दबाव डालती रही, पर वो ही उसे डालता रहा। क्योंकि वो आपसे नहीं किसी मोनिका से प्यार करते थे, राइट? ये बताइए कि उस रात जब आपने इसी बात को लेकर डॉक्टर तोलानी का सामना किया तो उनका क्या रिएक्शन था? उन्होंने अपनी गलती मान ली, आपसे माफी मांगी उन्होंने? जी जी हाँ। आप झूठ बोल रही है मिस सारिका जायसवाल। पकड़े जाने पर डॉक्टर जयंत तोलानी ने उल्टा सीना जोड़ी की और आपसे रिश्ता तोड़ने की बात की। योराना, ये है डॉक्टर जयंत तोलानी की एंगेजमेंट रिंग जो पुलिस को उनके फ्लैट के फ्लोर पर मिली। सो मिस जायसवाल, प्लीज बताइए कि कोई अपनी उंगली से एंगेजमेंट रिंग उतारकर फ्लोर पर क्यों फेंकेगा? जवाब दीजिए मिस जायसवाल। हाँ जैन, रिश्ता तोड़ रहा था मुझसे, और वो भी कोई आम रिश्ता नहीं है राना, 10 सालों के भरोसे का रिश्ता जो जब एक ही पल में टूट गया तो मिस सारिका जायसवाल का प्यार नफरत में बदल गया, और ताप में आकर उन्होंने पर्स से गन निकाली और डॉक्टर जयंत तोलानी की हत्या कर दी। नहीं, ये सच नहीं है, ये सच नहीं है, मैंने जयंत को नहीं मारा। और रियली, तो फिर ये गन जिसकी गोली से डॉक्टर जयंत तोलानी की हत्या हुई है आपके पास में कैसे पहुंची? ये मेरी गन नहीं है। योर ऑनर, ये गन अनलाइसेंस्ड है, इस पर किसी की उंगलियों के निशान नहीं, सारिका के भी नहीं। और अगर थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि यह सारिका की गन है तो कत्ल के बाद यह इसे फेंक देती या छिपा देती, यह अपने आप को फंसाने के लिए गन को अपने बैग में क्यों रखती? केटी, हर कातिल कोई ना कोई गलती जरूर कर बैठता है, और यह सारिका जायसवाल की गलती थी। यह सारिका की गलती नहीं, किसी और की होशियारी है जिसने मौके का फायदा उठाकर गोली चलाई। सारिका, याद करो कि जयंत कहां खड़ा था जिस वक्त उसके सीने में गोली लगी, उससे हम बता सकते हैं कि गोली किस दिशा में चली। मुझे पता नहीं, क्योंकि हम तैश में इतना हिलडुल रहे थे कि गोली कब कहां से चली कुछ पता नहीं चला। तुम्हें गोली की दिशा का पता नहीं, लेकिन शायद अलमारी में छुपा हुआ चोर बहराम हमें इसके बारे में कुछ बता सके। सलाम साहब। बहराम, अदालत को बताओ कि उस रात तुम अलमारी में क्या कर रहे थे। साहब, पीछू के पाइप से चढ़ के खिड़की खोल के उस खाली फ्लैट में चोरी करने को गया था साहब। फिर अचानक बाहर से किसी को आते हुए सुना, मैं डर के मारे सामने के अलमारी में जाके छुप गया था साहब। और फिर? फिर दरवाजा खुला, मेम साहब और वो साहब एक दूसरे में गाली गलौज करते हुए घर के अंदर आए, उन दोनों में तूतू मैम चलती रही, फिर अचानक वो आदमी का मर्डर हो गया और मैडम भाग गई, खुदा कसम साहब। तुमने गोली चलने की आवाज नहीं सुनी? जी नहीं साहब। अच्छा,
सारिका मैडम के वहां से भागने के बाद तुम अलमारी में ही छुपे रहे, क्यों? मैं बहुत डर गया था साहब, इसलिए वहीं रहा। जैसे मैं निकलने वाला था वो साहब अंदर आ गया और मैं और भी फंस गया था साहब। तुम अब तक तो नहीं फंसे हो बहराम, लेकिन अब फंसने वाले हो। जी जी, ये वही पैंट है जो तुमने उस रात पहनी थी। जी जी, क्यों? इनकी जेबों में क्या है? जेब में कुछ नहीं साहब, खुदा कसम मैं आते वक्त पूरी तलाशी दिया था साहब। मैं नहीं मानता, बताओ मुझे जेब। ये देखो, तुम्हारी पैंट की जेब के अंदर की लाइनिंग का ब्लू धागा। केजी, मैं तुम्हें याद दिला दूं कि खून गन से हुआ है, ना कि किसी धागे से। योर ऑनर, जेब से निकला धागा चोर निकलकर भागा। योर ऑनर, इस मर्डर वेपन पर गौर कीजिए, इस पर भीग कर सूखे हुए कागज के छोटे छोटे टुकड़े लगे हैं और जगह जगह ऐसे ही नीले रंग के धागे भी। योर ऑनर, अक्सर हम अपने जेब में कोई पुराना बिल या कोई पर्चा या कोई कागज रखकर भूल जाते हैं, फिर वो कागज कपड़ों के साथ धुलकर सूखकर जेब के अंदर की लाइनिंग के धागों के साथ मिलकर ऐसा हो जाता है। थैंक यू फॉर योर थ्योरी केटी, लेकिन इसका केस से क्या ताल्लुक? प्रोसिक्यूटर साहिबा, इस गन पर लगे कागज के टुकड़ों से साफ जाहिर है कि ये गन एक ऐसी जेब में रखी गई थी जिसमें कोई बिल या पुराना कागज रखकर भूल गया था। योर ऑनर, ये गन अनलाइसेंस है। ये गन सारिका से ज्यादा तुम्हारी होनी चाहिए, क्योंकि इस पर तुम्हारे नीले पैंट का नीला धागा लगा है। नहीं, ये गन मेरी नहीं है, मेरे पास तो बिना धार का चाकू था, मैंने किसी को नहीं मारा। क्या बात है, इस बार तुमने खुदा की कसम नहीं खाई? खुदा कसम, खून मैंने नहीं किया, खूनी तो वो मैडम है। तुमने इन मैडम को खून करते हुए देखा? हाँ देखा, उन्होंने अपने बैग से पिस्तौल निकाली, सांप पे तानी, गोली चलाई और भाग गई। ऑर्डर, ऑर्डर। थैंक यू बेटा। श्योरली सॉरी केटी, जिसे तुमने प्रोसिक्यूशन के खिलाफ खड़ा किया था वो तो तुम्हारे ही खिलाफ होगी। योराना, बैराम की इस गवाही ने उसे इस केस में दूसरा चश्मदीद गवाह बना दिया, जिसने सारिका को डॉक्टर जैन की हत्या करते हुए देखा। योराना, ये गन किसी ने लेडीज बैग से नहीं, एक जेब से निकाली है। मेरी थ्योरी के मुताबिक, तुम्हारे थ्योरी के मुताबिक ही की थी, गन सारिका के पर्स के अंदर से ही निकली है, क्योंकि इस पर्स के अंदर की जो लाइनिंग है, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, वो भी ब्लू है। अब योर ऑनर, मैं चाहूंगा कि फोरेंसिक्स की टीम इस गन पर लगे कागज के टुकड़ों को जोड़े, इससे मुझे यकीन है कि हमारे केस को मदद मिलेगी। यू आर राइट केडी। डॉक्टर अस्तोगी? यस सर। यस सर। योराना, मेरा अगला गवाह डॉक्टर जैन के पड़ोसी मिस्टर दिवाकर गुप्ता। जी, मैं अपने घर में टीवी पर कॉमेडी सर्कस देख रहा था कि नीचे के फ्लैट से झगड़ने की आवाज सुनी। मुझे लगा हमेशा की तरह दोनों में आपसी तू तू में चल रहा होगा, लेकिन जब मैंने सुना कि डॉक्टर जयंत रिश्ता तोड़ने की बात कर रहे हैं तो मुझे लगा इस पर मामला सीरियस है। फिर अचानक गन की आवाज सुनी, फिर सारिका की चीख सुनी। मैं भागता हुआ सीढ़ियों से नीचे आया कि सारिका को बाहर भागते हुए देखा और मैंने इन्हें रोकने की कोशिश भी की, लेकिन ये भाग गई। फिर आपने क्या किया? फिर मैं अपने घर गया और इंटरकॉम से सिक्योरिटी को फोन किया। एक मिनट, बहराम का कहना है कि आप सारिका के जाते ही डॉक्टर जयंत के फ्लैट में आए, क्या यह सही है? नहीं, मैं तो घबरा गया था, मैं वहां नहीं आया, बिल्कुल नहीं आया। इंटरेस्टिंग। योर ऑनर, इस केस के तीनों गवाहों की गवाही से यह केस और भी उलझ गया है। मिस्टर वेंकट कहते हैं कि ना तो उन्होंने गन देखी ना गोली चलने की आवाज सुनी। बैराम कहता है कि देखी,
आप कह रहे हैं कि आपने सुनी। बैराम ने कहा कि आप उस फ्लैट में गए थे। आप कह रहे हैं कि आप नहीं गए थे। वेरी कंफ्यूजिंग योर ऑनर। चलिए देखते हैं अगला गवाह सिक्योरिटी गार्ड थापा क्या कहता है। सलाम साहब। थापा, उस दिन जब मैं बिल्डिंग में आया था तुमने अपने यूनिफॉर्म के साथ कुछ और भी पहना था, हाथों में सफेद ग्लव्स। आज नहीं पहना? हाँ साहब, गंदा हो गया था ना, इसलिए धोने के लिए दिया हूँ। अच्छा, खैर ये बताओ कि तुम उस फ्लैट में पहुंचे कब? हाँ साहब जी, मैं सिक्योरिटी कैबिन में बैठा था, 702 से दिवाकर साहब का फोन आया इंटरकम पर। उन्होंने फोन पर बोले कि ऊपर मर्डर हो गया है। मैं भाग के ऊपर चले गए साहब जी। इंटरेस्टिंग, तुम्हें दिवाकर साहब का फोन आया और दिवाकर साहब का ये कहना है कि वो डॉक्टर जयंत के फ्लैट में गए ही नहीं, उन्होंने महज गोली चलने की आवाज सुनी थी। तो गोली चलने की आवाज से उन्हें ये अंदाजा कैसे हो गया कि किसी का मर्डर हो गया? और हाँ, तुमने कहा कि 702 से फोन आया था। 702 तो डॉक्टर जयंत का फ्लैट है, दिवाकर का फ्लैट 802 है, और उनका ये कहना है कि वो 702 में कभी गए नहीं। मैंने जो सुना जो देखा वही बता रहा हूँ। दिवाकर साहब 702 में थे। झूठे, मुझे क्यों फंसा रहा है? ऑर्डर ऑर्डर। मैंने क्या बताया किसी को कि तू फ्लैट के बाहर दरवाजे के पास खड़ा होकर कान लगाकर सब सुन रहा था? प्लीज सिट डाउन मिस्टर दिवाकर। सॉरी सर, सॉरी। योर ऑनर, इस चौथे गवाह से तो कहानी और भी उलझती जा रही है। थापा, मुझे तुम पर शक हो रहा है, तुम क्यों गए थे डॉक्टर जयंत के फ्लैट में? साहब, मैं वॉचमैन ड्यूटी करने के साथ साथ गाड़ी भी धोता हूँ ना साहब जी, उसका पगार मांगने को ले गया था। अच्छा, ये वही गाड़ी है ना थापा, जिस पर तुम ड्राइविंग चलाना सीख रहे थे डॉक्टर जयंत की परमिशन लिए बिना, और तुमने गेट में ठोक दी थी गाड़ी, वही गाड़ी है? हाँ साहब जी, सीखते टाइम पर थोड़ा ही नुकसान तो हुआ है, ठोक दिया था। 80,000 का नुकसान हुआ था? और डॉक्टर जयंत ने बोला था ये नुकसान इसे ही भरना पड़ेगा। एक बार और आउट ऑफ टर्न बोले मिस्टर दिवाकर तो आपको इस कोर्ट रूम से बाहर निकाल दिया जाएगा। सॉरी सर। यू मे प्रोसीड केडी। तो थापा, तुमने गोली चलने की आवाज सुनी थी या नहीं? नहीं सुनी साहब। कमाल है थापा, डॉक्टर जैन तुमसे 80,000 रुपया भरने को कह रहे थे और तुम उन्हीं से पैसे मांगने चले गए। मैं होता तो कभी उन्हें अपनी शक्ल ही नहीं दिखाता। हाँ साहब जी, मैं तो उनके साथ माफी मांगने गया था। 80,000 का हर्जाना कैसे भर सकता? तो आप जब गए उनके दरवाजे पर अपने घंटी बजाई थी? हाँ साहब जी, बजाई थी। अच्छा, लेकिन बैराम और सारिका ने तो अपने बयान में घंटी का कोई जिक्र ही नहीं किया। फिर आगे बोलो क्या हुआ। हाँ साहब जी, मैं जब गया घंटी बजाया, दरवाजे से बाहर से सुन रहा था, अंदर जोर जोर से झगड़ रहे थे। मैंने सोचा कि ऐसे झगड़े को टाइम पर माफी मांगना जाऊंगा तो उल्टे मेरे जान ले लेंगे और डांटेंगे, ये सोचकर वहीं से मुड़कर मैं वापस भाग गया साहब जी। अच्छा, तो ये बताओ थापा कि इन दोनों का झगड़ा किस बात पर हो रहा था? कुछ सुना होगा तुमने? नहीं साहब, दरवाजा बंद था, क्लियर बात कैसे सुनेगा। योर ऑनर, कमाल है, इन चारों गवाहों के बयान से केस और भी कंफ्यूजिंग होता जा रहा है। मिस्टर दिवाकर का कहना है कि उन्होंने अपने फ्लैट के बंद दरवाजे से कॉमेडी सर्कस के हंसी के शोर में से नीचे यह सुन लिया कि डॉक्टर जयंत सारिका को छोड़ने वाले थे, लेकिन तुमने उस फ्लैट के दरवाजे पर कान लगाकर भी कुछ नहीं सुना। बोलता क्यों नहीं कि डॉक्टर जयंत का मेंडर खुला हुआ था? मिस्टर दिवाकर, दोनों की आवाज पूरे कॉरिडोर में गुजरी थी, पता ना, अंदर घुसा होगा तू ना। That's it, मिस्टर दिवाकर, प्लीज लीव द कोर्ट रूम। योर ऑनर, मैं मिस्टर दिवाकर से। मिस्टर दिवाकर, आप अभी बाहर जाइए। मिस्टर दवे, इन्हें बाहर निकालिए। चलो। Thank you.
योर ऑनर, मिस्टर दिवाकर गुप्ता को कैसे पता था कि डॉक्टर जयंत के फ्लैट का दरवाजा खुला था? विच मीन्स के वो भी उस समय कॉरिडोर में था। पापा, क्या डॉक्टर तुलानी के फ्लैट का मेन डोर खुला था? जी मैडम। तो फिर झूठ क्यों बोल रहे हो? तुम चाहते हो कि सारिका जायसवाल के बदले तुम्हें उसके अंधेरे में खड़ा किया जाए? नहीं मैडम, मुझे क्यों, मैंने खून नहीं किया। मैंने तो खुले दरवाजे से झांकते हुए खून करते हुए देखा। अब आए तुम पॉइंट पे, और खून किसने किया? वो मैडम ने गोली चलाकर सांप को खून किया। मैंने तो खुले दरवाजे से झांकते हुए खून करते हुए देखा। अब आए तुम पॉइंट पे, और खून किसने किया? वो मैडम ने गोली चलाकर सांप को खून किया। ऑर्डर ऑर्डर। और दरवाजा को और आ रही थी, मैं डर के मारे लिफ्ट से नीचे चले गया, भाग गया। मर्डर इन्होंने किया? नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। थैंक यू पापा। योर ऑनर, एक और चश्मदीद गवाह। सॉरी केटी, तुम्हारा हर पासा पलट रहा है। योर ऑनर, मिस्टर वेंकट स्वामीनाथन, सिक्योरिटी गार्ड थापा, चोर बैराम और पड़ोसी मिस्टर दिवाकर गुप्ता, चारों के बयान में फर्क है। कोई कहता है कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं सुना, कोई कहता है देखा लेकिन सुना नहीं, कोई कहता है सुना लेकिन देखा नहीं। लेकिन एक बात है केटी, जहां चारों के बयान मिलते जुलते हैं, किराना इन सभी का मानना है कि खून सारिका जायसवाल ने ही किया है। मिस्टर वेंकट ने सारिका को फ्लैट के अंदर आते देखा, मिस्टर दिवाकर गुप्ता ने सारिका को फ्लैट से भागते देखा, और थापा और बैराम ने तो सारिका को गोली चलाते देखा। ऑर्डर ऑर्डर। सर, इन टुकड़ों को हमने जोड़ दिया है। योर ऑनर, ये किसी रेस्टोरेंट का बिल है, मुगल कुछ। लकीली इस पर बिल नंबर अभी भी इंटैक्ट है, बिल नंबर 653। योर ऑनर, मुझे लगता है कि अगर उस बिल बुक से हमें इस बिल की कॉपी मिल गई तो शायद हमें यह पता चले कि यह बिल किसका था। जिसका बिल उसी का गन, और जिसका गन वही कातिल, जो सारिका जायसवाल ही है। केटी, केटी इज एब्सोल्युटली क्लियर, चार अनजान लोग जो एक दूसरे को नहीं जानते, चारों के बयान अलग, लेकिन नतीजा एक, खूनी सारिका जायसवाल है। शी इज द किलर। केटी, कैसे बचाओगे तुम उसे? ये आपको बता दिया तो बात ही क्या रही। योर ऑनर, अगली पेशगी में मैं साबित कर दूंगा कि सच क्या है। जर्मिल, वहां फिट हो जाएगा तू? केडी, अगर किसी भी चीज को हाथ लगाया तो ग्लव्स पहने दबे। क्या जब देखो एक ही डायलॉग बोलता है, ट्राई कर। देखता हूं, ट्राई करता हूं। तो बहुत छोटा है यार, इससे बड़ा नहीं है क्या? कैसे बोल? ओह शिट, बंद कर इसको। ठीक है, जा दबे, दरवाजे की आड़ लेके खड़े हो जा, थापा की जगह। डॉक्टर जयंत की लाश यहाँ गिरी थी और किसी ने गोली चलने की आवाज भी नहीं सुनी। वैन पे साइलेंसर लगा था केडी। राइट दवे, तो कहाँ गायब हो गया वो साइलेंसर? दवे, तू वहां से मुझे देख पा रहा है? हाँ, मुझे बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है केडी। और जमील, तू? मुझे भी एकदम साफ दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है कि तुम दोनों मुझ पर गोली चला सकते हो, या फिर ये कहो कि सारिका को गोली चलाते हुए देख सकते हैं। केडी, वो देखो, वेंकट भी हमें साफ देख सकता है वहां से यहां का नजारा तो वहीं जाकर देखो। सर देखिए, उस पर्दे की आड़ में मैंने डॉक्टर जयंत को गिरते देखा, और सारिका तो पर्दे के पीछे थी। फिर वेंकट ने घबराकर मुझे उठाया और कहा कि सामने के फ्लैट में किसी को गोली लगी है, तो मैंने भी वही देखा, डॉक्टर जयंत की लाश जमीन पर और सारिका उसे देखकर भाग गई। केडी, तीनों चश्मदीद गवाहों का व्यू बिल्कुल क्लियर था, किसी को भी नजर का धोखा नहीं हो सकता। धोखा सिर्फ तुम्हें हो रहा है, सारिका ही खूनी।
योर ऑनर, ये वही मिसिंग रेस्टोरेंट बिल की कॉपी है। मुगल दरबार, बिल नंबर 653, तारीख 17 अप्रैल 2011, ऑर्डर एक तंदूरी चिकन, एक चिकन कोरमा, 4 बटर नान। और इस ऑर्डर को भेजा गया था होम डिलीवरी से इस पते पर, फ्लैट नंबर 802, डनहिल टावर्स, मिस्टर दिवाकर गुप्ता का फ्लैट। क्या देखिए आप मिस्टर गुप्ता, इससे पहले कि जज साहब आपको एक बार फिर से अदालत के बाहर करते हैं, आइए कटघरे में आइए। मिस्टर गुप्ता, ये बिल आपका है? जी हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि खून मैंने किया है। अच्छा तो ये बताइए कि आप तो ऊपर अपने फ्लैट में थे, आपको कैसे पता कि आपके नीचे वाले फ्लैट का दरवाजा खुला है? जी जी, मैं सीढ़ियों से उतरकर नीचे आ रहा था। मिस्टर गुप्ता, कमाल है नहीं, क्या आपने सीढ़ियों से उतरते समय गोली चलने की आवाज इतनी क्लियरली सुनी? लेकिन बैराम जो उस फ्लैट के अलमारी में बैठा था और सिक्योरिटी गार्ड थापा जो दरवाजे के बाहर खड़ा था, दोनों का यह कहना है कि उन्होंने गोली चलने की आवाज नहीं सुनी। सच तो यह है मिस्टर गुप्ता कि आप झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। हुआ यह कि आप गन लेकर सीढ़ियों से उतरे, वहां से आपने निशाना लगाया, आपने डॉक्टर जयंत का कत्ल किया, और जैसे ही सारिका वहां से भागी, आप चुपके से अंदर गए और आपने रिवॉल्वर सारिका के बैग में छिपा दिया। इज दैट राइट? हुआ ये कि आप गन लेकर सीढ़ियों से उतरे, वहां से आपने निशाना लगाया, आपने डॉक्टर जयंत का कत्ल किया, और जैसे ही सारिका वहां से भागी, आप चुपके से अंदर गए और आपने रिवॉल्वर सारिका के बैग में छिपा दिया। इज दैट राइट? जी नहीं, मैं डॉक्टर जयंत को क्यों मारूंगा? आपने डॉक्टर जयंत को उनका फ्लैट खरीदने का ऑफर दिया, आप ड्यूप्ले बनाना चाहते थे लेकिन उन्होंने मना कर दिया, हो सकता है यही वजह हो। देखिए, ड्यूप्लेक्स का शौक पूरा करने के लिए मैं अपने ऊपर वाला फ्लैट भी खरीद सकता हूँ, कुछ जरूरी नहीं है कि नीचे वाला फ्लैट ही खरीदूं। आप तो घबरा गए मिस्टर गुप्ता, डोंट वरी, ये बिल आपका है लेकिन वो बिल नहीं जिसे हम ढूंढ रहे हैं। क्या मतलब, ये बिल नंबर 653 नहीं है? यस योर ऑनर, ये मिस्टर दिवाकर गुप्ता का बिल नंबर 658 है, किसी ने इस 8 को खुरच कर 3 बनाया है। ये देखिए, बिल नंबर 653 अभी भी मिसिंग है। इस केस को गुमराह करके मिस्टर दिवाकर पर इल्जाम लगाकर, यू आर राइट इंस्पेक्टर दवे, ये बिल तुम्हें उस रेस्टोरेंट के मैनेजर ने दिया था ना? जी, और अगर आप इजाजत दे तो मैं अभी उस धोखेबाज को यहां लेकर आता हूं। इजाजत? योर ऑनर, इससे साफ जाहिर है कि किसी ने मुगल दरबार के मैनेजर को घूस या धमकी देकर उससे बिल बदलवाया है, और यह सारिका नहीं हो सकती क्योंकि इस केस के शुरुआत से सारिका पुलिस की हिरासत में है। लेकिन प्रोसिक्यूशन का केस 4 लोगों की गवाहियों पर टिका है कि जिन्होंने सारिका को डॉक्टर जैन की हत्या करते हुए देखा। यू राइट, पर इन 4 में से झूठ कौन बोल रहा है वो मैं अब साबित करूंगा। उन्हें यहां अलग अलग बुला के योर ऑनर, इसलिए मेरी अदालत से दरख्वास्त है कि फिलहाल बैराम और थापा को अदालत से बाहर भेज दिया जाए। सावंत, बैराम और थापा को बाहर ले जाओ। चलिए। मिस्टर वेंकट, आप यहां कटघरे में आइए। मिस्टर दिवाकर, आप जा सकते हैं। थैंक यू सर। मिस्टर वेंकट, सबसे ज्यादा मुझे आपके बयान पर यकीन है क्योंकि आपने कहा है कि आपने खून होते हुए नहीं देखा, राइट? जी, मैंने सारिका के हाथों में गन नहीं देखा। आपने सारिका के हाथों में गन नहीं देखा और आपने गोली चलने की आवाज भी नहीं सुनी? जी। तो अगर आपने सारिका के हाथ में गन नहीं देखी तो बेफिजूल में आपसे मैं क्यों पूछूं कि आपने साइलेंसर देखा या नहीं? एनीवे, आप बैठ सकते हैं। योर ऑनर, अगले गवाह
बैराम को बुलाया जाए प्लीज। मिस्टर बैराम यादव अदालत में हाजिर हो। बैराम, अलमारी में छुपकर तुमने सारिका को उनके मंगेतर का खून करते हुए देखा? हाँ साहब, गन से। और वो गन उन्होंने कहाँ से निकाली थी? अपने उस बैग से, बाद में उसी में डाल दी। अच्छा, और साइलेंसर का क्या? साइलेंसर? हाँ, साइलेंसर। जाहिर है कि जब तुमने 20 फुट की दूरी से गोली चलने की आवाज नहीं सुनी तो गन पर साइलेंसर लगा होगा। क्या किया उन्होंने उस साइलेंसर का? साइलेंसर को सारिका मैडम ने खिड़की के बाहर फेंक दिया। पक्का? जी साहब, खुदा कसम। तुम झूठ बोल रहे हो बैराम, क्योंकि मिस्टर वेंकट ने अपने बयान में कहा है कि उन्होंने सारिका को साइलेंसर जेब में डालकर भागते हुए देखा। हाँ हाँ, बताओ तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? मैं भूल गया होगा। क्या सच बोलना भूल गए थे? सच तो यह है बैराम कि तुमने साइलेंसर तो दूर, तुमने सारिका के हाथ में गन ही नहीं देखा। क्या यह सही है या नहीं? हाँ साहब, हाँ, मैंने झूठ बोला। ना मैंने गन देखी ना साइलेंसर। मैं तो सारिका मैडम को फंसाना चाहता था। ताकि आप लोगों का शक मेरे पे ना आए, खुदा कसम। लेकिन मैंने खून नहीं किया साहब, खून नहीं किया। थैंक यू बैराम, तुम बैठो। योर ऑनर, आखिरी चश्मदीद गवाह सिक्योरिटी गार्ड थापा। इजाजत। मिस्टर गोपाल थापा अदालत में हाजिर हो। सारिका को अपने मंगेतर का खून करते हुए देखा, गन से? जी साहब। वो गन कहां से निकाली थी उन्होंने? उन्होंने आपने बैग से निकाला, खून किया, वापस बैग में डाला। पुलिस को वो गन बैग से ही मिली थी, लेकिन साइलेंसर नहीं मिला। साइलेंसर का क्या किया उन्होंने? साइलेंसर? हाँ, जाहिर सी बात है कि अगर गोली चलने की आवाज नहीं आई तो कत्ल साइलेंसर से हुआ होगा। क्या किया उन्होंने वो साइलेंसर का? देखा होगा तुमने। हाँ हाँ, साइलेंसर को जेब में डाला और बाकी? गलत थापा, क्योंकि अभी अभी मिस्टर वेंकट और बैराम ने हमें बताया कि सारिका ने वो साइलेंसर खिड़की के बाहर डाला था। झूठ बोल रहे हो तुम। जी? गलत थापा, क्योंकि अभी अभी मिस्टर वेंकट और बैराम ने हमें बताया कि सारिका ने वो साइलेंसर खिड़की के बाहर डाला था। झूठ बोल रहे हो तुम। हाँ झूठ बोल रहे हो तुम। तुमने ना गन देखा, ना साइलेंसर देखा, ना सारिका को गोली चलाते हुए देखा। क्या यह सच है या नहीं? हाँ हाँ साहब, मैंने झूठ बोला। क्योंकि सारा सब सबका सारिका मैडम पर जाए और मुझ पर नहीं। मैं क्या करता बिना बजे फंसने से पहले? मैंने सोचा कि सब लोग जो बोल रहे हैं वही बोल दूं। लेकिन मैंने खून नहीं किया। मैं खूनी नहीं हूं जज साहब, मैं खूनी नहीं हूं। देखते हैं, तुम बैठो। योर ऑनर, इस केस के चार गवाह। सबसे पहले मिस्टर वेंकट, जिनका ये कहना है कि उन्होंने सारिका को खून करते हुए नहीं देखा। दूसरे मिस्टर दिवाकर गुप्ता, जिन्होंने सारिका को लड़ते हुए सुना और भागते हुए देखा लेकिन खून करते हुए नहीं देखा। तीसरे और चौथे सिक्योरिटी गार्ड थापा और चोर बैराम, जिन्होंने अभी अभी अदालत में अपना झूठ कबूल किया है। किसी ने सारिका को खून करते हुए नहीं देखा तो किस बिना पर हम सारिका को खूनी घोषित कर सकते हैं? आई एग्री केडी, लेकिन ये कत्ल किसी ने तो किया है। गन अगर किसी ने नहीं देखी, लेकिन किसी ने तो चलाई है। व्हाट टाइमिंग दे? मिल गया रेस्टोरेंट का मैनेजर? नहीं केडी, योर ऑनर, मेरे मुगल दरबार पहुंचने से पहले ही वहां का मैनेजर फरार हो गया।
और वो बिल बुक भी वहां से गायब थी। जब तक मैनेजर मिलता नहीं कातिल तक पहुंचना मुश्किल है। कौन हो सकता है वो? कौन? मिस्टर वेंकट, आई वंस अगेन नीड योर हेल्प। यस। मिस्टर वेंकट, आपको पक्का यकीन है कि आपने अपनी खिड़की से उस फ्लैट में किसी और को नहीं देखा? नहीं सर। तो शायद गोली कहीं और से चली थी, अलमारी से या मेन डोर के पीछे से या कोई तीसरी जगह से? सॉरी सर, इतनी दूर से अंदाजा लगाना कि गोली कहां से चली है ये मेरे लिए कहना मुश्किल है। सॉरी, आपको तो इतनी दूर से पता भी नहीं चला होगा कि हुआ क्या। सर, जब गोली चलने की आवाज उस फ्लैट में मौजूद ये लोग नहीं सुन पाए तो फिर मैं कैसे सुन सकता हूँ? तो फिर आपने आधी रात को अपनी पत्नी को उठाकर ये क्यों कहा कि सामने वाले फ्लैट में किसी को गोली लग गई है? जी यस, मिस्टर वेंकट, आपने आधी रात को अपनी पत्नी मिसेस जाया स्वामीनाथन को उठाकर उनसे ये कहा कि सामने वाले फ्लैट में किसी को गोली लग गई है। आपको कैसे पता? बस ऐसे ही वो अचानक जमीन पर गिरा तो? हाँ, तो हार्ट अटैक हो सकता था, चक्कर आ सकता था, गोली लगी ये बात आपको कैसे पता? क्योंकि मैंने डॉक्टर जयंत की छाती पर गोली लगते देखा, खून आते देखा, सिंपल। इसका मतलब कि डॉक्टर जयंत की छाती आपकी तरफ थी? ये डॉक्टर जयंत की छाती आपकी तरफ थी, गोली भी आपकी तरफ से ही चली है। मैंने मिस्टर वेंकट, गोली आपने ही चलाई है। केडी, अगर गोली मिस्टर वेंकट ने चलाई थी तो वो गन उस फ्लैट में कैसे मिली? क्योंकि वेंकट खुद उस गन को अपने साथ लेकर गया था। मिस्टर वेंकट, मुझे यकीन है कि आपका नाइट सूट भले ही ग्रे कलर का था लेकिन उसकी जेबों की जो लाइनिंग है वो नीले रंग की होंगी। आप गन लेकर वहां गए और जब पुलिस बॉडी की तफ्तीश कर रही थी बड़ी सफाई से बिना उंगलियों के निशान लगे आपने वो गन सारिका के बैग में रख दिया। खून आपने किया है मिस्टर वेंकट, एडमिटेड। और इस बात का अंदाजा मुझे तब हुआ जब मैंने आपके घर में वो शूटिंग ट्रॉफीज देखी। और वैसे भी मिस्टर वेंकट, एक बार मुगल दरबार का मैनेजर पकड़ा गया तो वो आपका नाम ले ही लेगा। और मुझे पूरा यकीन है कि पुलिस को आपकी घर की तलाशी के दौरान आपके घर में से वो साइलेंसर जरूर बरामद हो। एडमिटेड मिस्टर वेंकट, ये कत्ल आपने किया है, मान लीजिए इस बात को। हाँ हाँ, मैंने ही मारा डॉक्टर जयंत, मैंने ही मारा। Quiet, please. 2 साल पहले डॉक्टर जयंत तोलानी की गैर जिम्मेदारी की वजह से मेरी माँ की मौत हो गई, मेडिकल एग्लिजेंस। और फिर मैं डॉक्टर से अपनी माँ की मौत का बदला लेना चाहता था क्योंकि ये दोनों हमेशा फ्लैट में आपस में लड़ाई करते रहते थे और मैं मौके का इंतजार किया। फिर उस रात जब मैंने उन दोनों को झगड़ा करते हुए देखा तो मैंने सोचा कि आज मैं अपनी माँ की मौत का बदला ले सकता हूँ। और फिर
और वो रेस्टोरेंट का बिल मैंने ही बदलवाया था। सारिका भी कसूर। अरेस्ट माई केस योर ऑनर। तमाम गवाहों के बयानात सुनने के बाद यह अदालत इस फैसले पर पहुंची है कि डॉक्टर जयंत तोलानी का कत्ल बदले की भावना से मिस्टर वेंकट स्वामीनाथन ने किया है। इसलिए मिस्टर वेंकट स्वामीनाथन को गिरफ्तार करते हुए यह अदालत मिस सारिका जायसवाल को बाइज्जत बरी करती है। द केस इज क्लोज। थैंक यू केडी, थैंक यू सो मच। यू वेलकम। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.